हाँ जी बेटे, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 6। और आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कल हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से कैलकुलेट करते हो। और हम करते भी हैं, कैसे करते हैं, जैसे सपोज हमें ये दिया हो कि ए इज फॉर्मिंग बी प्लस सी, हम क्या कहते हैं, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, के की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, अल्फा इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, राइट। अगर हमें के की वैल्यू पता हो तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। तो बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी है, अल्फा, क्या ये डिटरमाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ए की कंसंट्रेशन क्या है, क्या इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी हो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि अगर आपको रिएक्टिंग प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ रिएक्शन वी आर एबल टू डू दैट। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी टू प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो चुकी है, रिएक्शन कहां तक हुई है, इसके बारे में भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से बता सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें देखो, इसमें आप ये बता सकते हो फोर वेरी लार्ज के वैल्यूज, ठीक है। आप सबको पता है के किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के। अगर के की वैल्यू लार्ज होगी वो तभी होगी जब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, या रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कब ज्यादा होगी, जब रिएक्शन काफी हद तक हो चुकी है या अभी हुई नहीं है, काफी हद तक हो चुकी है। कि वेरी लार्ज वैल्यू के वैल्यूज एक्सप्लेन दी ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। के की वैल्यू अगर लार्ज है, हम बता सकते हैं रिएक्शन ऑलमोस्ट कहां तक जा रही है, कंप्लीशन तक जा रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी वेरी लेस वैल्यूज ऑफ के, आप सबको पता है के किसके बराबर है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के किसके बराबर है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के। के की वैल्यू कम कब होगी, जब रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मतलब रिएक्टेंट अभी खर्च ही नहीं हुआ है इनटू प्रोडक्ट, और उससे पहले क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, थोड़ा सा रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ और तभी क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वो रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंड तक अकॉम्प्लिश नहीं हुई है। तो बेसिकली वेरी लेस वैल्यूज ऑफ इंडिकेट्स ओनली लिटिल प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। इंडिकेट्स ओनली लिटिल प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, बात समझ में आ गई। टू मेजर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक थर्ड और मेजर एप्लीकेशन
डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसको भी आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं अभी देखते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है हम इसको भी प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे में मूव कर रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, सपोज मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, 10t = 0 पर इसके 10 मोल्स थे, इसको 0 मोल्स। कुछ टाइम टी के बाद ये 8 मोल रह गया और ये 2 मोल हो गया, और जब इक्विलिब्रियम आया तो ये 6 मोल बन चुका था और ये 4 मोल बन चुका था, ठीक। तो वैल्यू ऑफ केसी वुड बी 4/6, वैल्यू ऑफ केसी इज 2/8, 0/10 या 4/6, 4/6। व्हाई? बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसकी वैल्यू इनिशियल मोल से डिपेंड नहीं करती, इनिशियल मोल कुछ भी हो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता। इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन का रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और टर्म यहाँ यूज होती है QC, जिसे क्या कहा जाता है, रिएक्शन राइट। एक और टर्म यूज होती है QC, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है, रिएक्शन क्वोशेंट एक्सप्रेशन वाइज इज आइडेंटिकल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है रेस टू पावर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम एज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी और क्यूसी में फर्क क्या होता है, क्यूसी इज डिफाइंड एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन। कहां डिफाइन किया जाता है, एनी टाइम ऑफ रिएक्शन, जबकि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब डिफाइन किया जाता है, ओनली एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया दोनों में फर्क, क्यूसी और केसी का एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे के का एक्सप्रेशन बनाते हो वैसे क्यूसी का एक्सप्रेशन बनाओगे, लेकिन के एक्सप्रेशन में जो आप कंसंट्रेशंस रखते हैं वो किसी भी टाइम पे नहीं रखते। कंसंट्रेशंस किस टाइम पे रखते हैं, ओनली एट इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप सेम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करें तो वो उस रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्शन क्वोशेंट या क्यूसी। लेकिन आपको पता है रिएक्शन काम इस तरह से ही करेगी कि जैसे भी काम किया जाए हमें किस में आना है, इक्विलिब्रियम में आना है, ठीक है। तो इसमें जो केसेस लग सकते हैं हमारे पास वो क्या लग सकते हैं, ध्यान से देखें। सपोज कोई ऐसी रिएक्शन थी जिसमें हमने कुछ रिएक्टेंट को मिक्स कर लिया और फिर क्यूसी उनका फाइंड किया, अगर वो क्यूसी केसी से कम आ रहा है, मतलब किसी भी टाइम पर, अगर यहाँ देख लो, यहाँ पर अगर मैं इस टाइम पर क्यूसी डिफाइन करूं तो क्या आएगा, 2/8, और केसी डिफाइन करूं तो क्या आएगा, 4/6। केसी बड़ा है क्यूसी से, तो बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन और होगी या बैकवर्ड रिएक्शन होगी ताकि इक्विलिब्रियम आए, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो ऐसे केसेस जिनमें अभी प्रोडक्ट उतना नहीं बना है कि केसी अचीव किया जाए, तो ऐसे केसेस में रिएक्शन विल प्रोग्रेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगी। तो रिएक्शन विल प्रोग्रेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। केस टू देखो बेटा, केस टू में अगर क्यूसी केसी के बराबर हो गया, अगर क्यूसी केसी के बराबर हो गया तो मतलब सिस्टम तो ऑलरेडी किसमें है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, नो नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा नहीं है रिएक्शन रुक जाएगी, मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, तो नेट कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं कहना कि रिएक्शन होनी स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन होनी स्टॉप नहीं होगी,
रिएक्शन होती रहेगी, लेकिन नेट जो चेंज आ रहा है रिएक्शन में वो क्या हो जाएगा, सेम जीरो हो जाएगा। केस थर्ड, अगर क्यूसी ज्यादा हो गया केसी से तो केसी लाने के लिए क्यूसी को कम करना पड़ेगा। क्यूसी कम कब होगा, जब प्रोडक्ट कम होगा, और प्रोडक्ट कम कब होगा, जब प्रोडक्ट को ज्यादा खर्च करवाया जाए, मतलब रिएक्शन कौन सी करवाई जाए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो ऐसे केसेस में रिएक्शन विल प्रोग्रेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल प्रोग्रेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? मैं कह रही हूं कि आपको रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है, ये एक एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो उसके लिए हमने एक नया फैक्टर लॉन्च किया है, क्या, क्यूसी, जो कि क्या है, रिएक्शन कोशेंट। किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो ले लेते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका रिएक्शन कोशेंट बन जाता है, चाहे वो इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहला हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद का हो। आपको ये पता है कि इक्विलिब्रियम पर दोनों रिएक्शंस की डेट बराबर हो जाएगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम कौन सी इक्विलिब्रियम ही है। लेकिन अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम होगी तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। और अगर क्यूसी केसी से बड़ा होगा तो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमें रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में करवाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में करवाना पड़ेगा, ताकि मुद्दे की बात यह है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो जो भी काम होगा वो इक्विलिब्रियम अटेन करने में होगा। तो तीन एप्लीकेशन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पढ़ी है। फर्स्ट एप्लीकेशन वॉज प्रिडिक्टिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, सेकेंड वॉज प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड इज predicting the direction from which equilibrium will be attained. हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन से क्यूसी और केसी के कंसेप्ट को समझते हैं, ये देखिए। यहां मैं प्लॉट कर रही हूं प्रेशर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, गैसियस होती है ये, और इधर मैं प्लॉट कर रही हूं प्रेशर ऑफ हेक्सेन वन गैसियस, और कुछ इस तरह से आपको ये मिल रहा है, और ये आपको पॉइंट डिफाइन कर रखा है ए। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्टिंग Which of the following statements hold good at point A? Holds good at point A. A. Q is greater than K. B. Q is less than K. C. Q is equal to K. K is equal to 1. D. Q is equal to K and K is equal to 1.732, right? हाँ जी बेटे, तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो जब आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप ऑलमोस्ट इस कर्व की क्या आ रही है, कांस्टेंट। कांस्टेंट आने का मतलब है जितना हेक्सीन का प्रेशर बढ़ रहा है साइक्लोहेक्सीन
of hexane, pressure of cyclohexane ratio pressure of hexene, this is remaining constant. And the time where the pressure of products and reactants is kept to be constant, that point is said to be equilibrium. So iska matlab A pe bhi kya hai system? Equilibrium mein. If at point A system is at equilibrium, then QC will be equal to K. Q will be equal to K. Aur question mein diya hua tha ki K ki value kya hai? 1.732. Iska matlab Q is equal to K and its value in turn would be equal to 1.732. So the answer to this question is option number D. And you better push. हाँ जी, एक और क्यूसी केसी के कंसेप्ट से अच्छा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन सेज टू मोल्स ईच ऑफ SO3CO SO2 and CO2 is taken in a 1 liter vessel. If Kc for the reaction SO3 plus CO forming SO2 plus CO2 is 1/9, then A, total number of moles at equilibrium are less than 8. B, moles of SO3 plus moles of CO2 is 4. Moles of SO2 by moles of CO are less than 1. D, both B and C. So very very good question. पहले खुद से try करने की कोशिश करें, फिर इसकी कोई hint दे सकते हैं आपको, लेकिन पहले आपने कोशिश करनी है खुद से इस question को try करने की. हाँ जी बेटे, देखें इसका solution. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के लिए क्यूसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं. ध्यान से देखो, क्यूसी क्या होगा? SO2 इंटू CO2 बाय SO3 इंटू CO. व्हाट आर दीज? 2 इंटू 2 बाय 2 इंटू 2, दैट इज 1. क्यूसी हैज बीन फाउंड टू बी ग्रेटर देन केसी. इसका मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन विल प्रोसीड इन backward direction, right? So suppose I have a reaction SO3 plus CO giving SO2 plus CO2 at time t is equal to 0. Initially two moles were also each were present. और जब आपने equilibrium लेना है तो पीछे से equilibrium आएगा, मतलब ये xx खर्च हो गए, ये two तो पड़े थे पहले से, x four बन जाएगा, ठीक है? अब ऑप्शंस में देखो, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आर लेस देन 8, प्लस करना है इसको, 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 2 माइनस, तो 8 हो गया. इसका मतलब टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आर इक्वल टू 8, नॉट लेस देन 8. ये ऑप्शन इज रॉन्ग, ये कर रहा था आपको, ये क्लिक नहीं किया. फिर मोल्स ऑफ SO3 एंड मोल्स ऑफ CO2, SO3 के मोल्स कितने हैं? 2 प्लस एक्स. CO2 के मोल्स कितने हैं? 2 माइनस एक्स. टोटल क्या हो गया? 4. 2 minus x plus 2 plus x 4, this is correct. Moles of SO2, 2 minus x, divided by moles of CO, 2 plus x, are less than 1? Less than 1. नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है. Less than 1, ये कह रहा है less than 1, C भी सही है, single choice है, तो answer क्या होगा? D, both B and C. Is it clear? तो आपको क्वेश्चन में वो गा के नहीं बताएगा कि यहाँ क्यूसी लगाओ, ये तो आपको खुद जज करना पड़ेगा कि हमें इक्विलिब्रियम पर जाना है और इनिशियली हमें रिएक्टेंट भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी.
प्रोडक्ट भी दिया हो, जब भी आपको प्रोडक्ट भी दिया हो तो एक बार आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि रिएक्शन होगी किस डायरेक्शन में, प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे या रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखें।
इक्विलिब्रियम पे थे, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, फिर आपने कुछ मोल O2 पे ऐड किए जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई ताकि इक्विलिब्रियम वापस आ जाए, लेकिन वो O2 के मोल ऐड करने से NO की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.04, वो कितनी होगी इसके बराबर। यहां से x निकालो, फिर KC के एक्सप्रेशन से क्या निकाले बेटा, y, ठीक है, जस्ट ट्राई एंड सॉल्व इट। तो बेटा ये एक्सप्रेशन बनेगा, x की वैल्यू यहां से आ जाती है 0.5, तो जब हम KC का एक्सप्रेशन डालेंगे और x की वैल्यू 0.5 को प्लेस कर देंगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 7.11 है ना? अभी फ्रैक्शन में छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में नहीं है। 7.11 माइनस 1.50, 1, 11 में से 5 गए 4, 6 में से 1 गए 5.41 अप्रॉक्सिमेटली। देख रहे हो कौन आ रहा है 5 टाइम्स ऑप्शंस में। 18.5 जा 90, तो ये ज्यादा 90 से आपका आंसर ये हो गया। समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये तो हो सकता 10 के बियॉन्ड चला गया, ये भी नहीं हो सकता, नन है नहीं, आपका आंसर क्या है क्वेश्चन का। एनी डाउट, सॉल्व किया मैथ्स के लगाइए हम। केसी की वैल्यू 9/2 एनओ का स्क्वायर ओ टू एन टू इज क्लियर। सो दिस इज आवर टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमने इसका बहुत इंपॉर्टेंट और कंक्लूसिव पार्ट, दो ही टॉपिक्स मेजर रह गए हैं, दो तीन टॉपिक्स जिनको हम आगे आने वाले दो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ली चैटलियस प्रिंसिपल, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। आज के टॉपिक में हमने कवर किया एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।